आज उसके शादी का सालगिरह था। करीबन 3 साल से एक साथ रह रहा ये जोड़ी आज टूट गया। उम्र महज 32 वर्ष था उसका। सुमन कुमार उसकी पत्नी और 2 साल का बेटा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। प्रयाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में MPW के पद पर कार्यरत सुमन पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग में था कि इस सालगिरह कुछ स्पेशल किया जाए, पर आज सुबह जब वो घर से अपने काम पर निकला तो तेज रफ्तार से आ रही बस से जोरदार टक्कर के बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस बल के जवानों के सहायता के बाद सबको सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। हमने आपको खबर भी दिखाई कि किस तरीके से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। लगातार पूरे दिन अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी रही। परिजनों का ये भी आरोप था कि सुबह एक्सीडेंट हुए 3 से 4 घंटे बीत गए, पर अब तक FIR क्यों नहीं हुआ। लगातार लोग सदर अस्पताल में बने रहे। मौके पर नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार हॉस्पिटल पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि गाड़ी और उसके चालक को जल्द हिरासत में लिया जाए। क्या हुआ सर, किस तरीके से इन्हें शांत कराया गया? सुबह से अब तक लगातार आप लोगों का प्रयास चल रहा था। वैसे जो हम लोग का प्रक्रिया था पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद इनको जो प्रोसेस में आना था, प्रोसेस FIR वगैरह करने का इन लोग का जीत था और गिरफ्तारी करने का बोल रहे थे लोग, तो हम लोग जो है इनको समझा बुझा के FIR कर दिया गया है और जो है गाड़ी का खोज किया जा रहा है। लगातार इन लोगों का सवाल था कि सिर्फ 10 बजे एक्सीडेंट हुआ और 2 बजे तक कोई FIR दर्ज नहीं किया गया, इन्हीं पर आक्रोशित थे सर यहाँ के। FIR तो समय पर हो गया था और गाड़ी चालक और गाड़ी का खोजबीन किया जा रहा था, उसी में जो है विलम्ब हुआ है और आगे का प्रक्रिया हो रहा है। अभी कुछ हासिल हुआ कि नहीं सर? अभी तक तो प्रयास जारी है, अभी तक आया नहीं है। इतने पर भी लगातार परिजनों का हंगामा जारी रहा। उनकी मांगे थी कि मृतक के पत्नी को नौकरी दिलाई जाए। CSC प्रसाद मिश्रा ने आश्वासन भी दिया कि यथासंभव परिवार की सहायता की जाएगी, पर परिजन लगातार इस बात पर अड़े थे कि उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए। बैठ नहीं हुआ तो क्या बोला, अभी जा रहे धरना में बैठेंगे CS ऑफिस में। किस विषय को लेकर धरना है? हमको न्याय चाहिए। तो FIR भरण पोषण कौन करेगा? FIR का जहाँ तक बात है तो वो तो FIR तो हो चुका है, पर मेरा भरण पोषण के लिए हमको लिखित चाहिए, वैसे मौखिक बोलने से नहीं होगा। कह रहे थे कि इन्हें सैलरी भी नहीं मिली है। सैलरी भी 3 महीने से नहीं मिली है। यही आप लोग का मांग था कि सैलरी दिया जाए? सैलरी दिया जाए और हमको जॉब दिया जाए, मेरा भरण पोषण के लिए। मेरा बेटा है 2.5 साल का बच्चा, कौन करेगा? CS साहब तो बोले हैं कि हाँ दे देंगे, तो हमको लिखित चाहिए ना, बोलने से नहीं हो जाएगा। आज जाएंगे कल भूल जाएगा हम मेरा चेहरा, तो हमको लिखित चाहिए CS ऑफिस से। हालांकि अंत में नगर थाना प्रभारी ने परिजनों से बातचीत कर मामला समझाया, जिसके बाद करीबन शाम के 4 बजे परिजन सब लेकर वापस घर लौटे। हम लोग समझते हैं ना, सरकारी सेवा।